एक दौड़ शहीदों के नाम, क्रांतिकारियों को सलाम। 550 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण कर आज शहर में लौटा धावक अजीत लोधा। अजीत लोधा के शहर में पहुंचते ही अभी रोड पर उसका जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही एक तिरंगा यात्रा के साथ उसे उसके निवास कैंट तक ले जाया गया। गौरतलब है कि अजीत लोधा ने 26 जनवरी को गुना से दिल्ली तक के लिए दौड़ प्रारंभ की थी, जिसके 10 दिन के बाद दिल्ली पहुंचकर इसने इस दौड़ को संपन्न किया और इस दौड़ के समापन के साथ ही एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इनकी इस दौड़ के समापन पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इनका स्वागत किया। आपको बता दें कि अजीत लोधा पिछले साल गुना से भोपाल तक दौड़े थे, साथ ही इस ऐतिहासिक दौड़ के बाद आज गुना पहुंचे अजीत लोधा से हमारी खास बातचीत भी हुई। जी, मैं पहले बताना चाहूँगा कि मेरी दौड़ का मोटो था कि एक दौड़ शहीदों के नाम, क्रांतिकारियों के सलाम। मैं ये दौड़ क्रांतिकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने ये दौड़ प्रारंभ की। और हम अभी हाल ही में देखा है कि हमने अभी हमारे देश के वीर सपूत चार लोग शहीद हो चुके, जिसमें हमारे कैप्टन और 3 सैनिक भी थे, जो अभी हाल ही में आज राम अवतार जी लोधी जी को, जो अपने ग्वालियर के निवासी हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देकर आज मैंने अपनी ये यात्रा को पूर्ण रूप से समाप्त की है। मैंने ये गुना से लेकर दिल्ली तक 550 किलोमीटर की लगभग दूरी थी और मुझे पर डे 50 से 55 किलोमीटर दौड़कर ये मुझे 10 से 11 दिन लगे इंडिया गेट पहुँचकर मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। हम हाल ही में हम देखते हैं कि हमारे सैनिक बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ही देखा जाए कि बहुत ही कमजोर होती जा रही है। उन पर ज़्यादा लोग ध्यान न देते हुए सिर्फ उनकी शहादत तक याद करते हैं लोग। सोचा कि मैं उनके लिए कुछ करूं, भगवान ने मुझे ऐसा गॉड गिफ्ट तो नहीं मानूंगा, पर मेहनत ही है थोड़ी बहुत मेरी रनिंग की, तो रनिंग करके मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ।